महाभारत के युद्ध में पांडव कृष्ण भगवान की वजह से जीत तो गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो चाहता तो पूरे महाभारत के युद्ध को पल भर में खत्म कर सकता था। और उस योद्धा का नाम है बार्बरिक, जिसे आप खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। बार्बरिक घटोटकच और नागकन्या अलहावती के बेटे थे। वो एक कुशल योद्धा थे जिन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। बार्बरिक भीम के पोते थे। भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद बार्बरिक को शिवजी ने 3 खास बाण दिए, जिससे वो किसी भी युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे। बार्बरिक को अग्निदेव से एक खास धनुष भी मिला था। कहते हैं कि बार्बरिक इन धनुष बाण की वजह से इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अगर वो चाहते तो महाभारत के युद्ध को अकेले ही खत्म कर देते। कहा जाता है कि महाभारत शुरू होने से पहले कृष्ण जी ने सभी योद्धाओं से पूछा कि वो अकेले युद्ध को कितने वक्त में खत्म कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि उनको 25 दिन का वक्त लगेगा। वही कर्ण ने कहा कि उनको 24 और अर्जुन को 28 दिन लगेंगे। बार्बरिक ने अपनी माँ से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया। उन्होंने बार्बरिक को एक शर्त पर युद्ध में जाने की अनुमति दी कि युद्ध में जो भी कमजोर होगा, चाहे वो पांडव हो या कौरव, बार्बरिक हारने वाले का साथ ही देगा। और इस वादे के साथ बार्बरिक महाभारत के युद्ध स्थल की ओर चल दिए। जब कृष्ण जी को बार्बरिक के बारे में पता चला तो वो बार्बरिक की शक्तियों को खुद देखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके बार्बरिक के मार्ग में आ गए। कृष्ण ने बार्बरिक से भी वही प्रश्न पूछा कि उनको महाभारत का युद्ध अकेले खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। इस पर बार्बरिक ने कहा कि वो कुछ क्षण में ही ये युद्ध खत्म कर देंगे। उस वक्त बार्बरिक के पास शिव जी के दिए हुए 3 तीर और सूर्यदेव का दिया हुआ धनुष ही था। श्री कृष्ण ने बार्बरिक का मजाक उड़ाया कि वह 3 तीर से क्या युद्ध लड़ेंगे। कृष्ण की बातें सुनकर बार्बरिक ने कहा कि उनके ये तीर बहुत खास है। और फिर बार्बरिक ने कृष्ण को तीनों तीरों की शक्तियों के बारे में बताया। पहला तीर उन सभी चीजों पर निशाना लगा देगा जिसे बार्बरिक खत्म करना चाहता हो। दूसरा तीर उन सभी चीजों पर निशाना लगा देगा जिसको बार्बरिक बचाना चाहता हो। और तीसरा तीर उन सभी को खत्म कर देगा जिस पर पहले तीर ने निशान लगाया हो, और इसके बाद सारे तीर वापस आ जाएंगे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अपनी माँ को दिए हुए वचन के अनुसार बार्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। उस समय कौरव सेना कमजोर नजर आ रही थी और कृष्ण नहीं चाहते थे कि बार्बरिक कौरवों का साथ दे। इसीलिए कृष्णा ने एक चाल चली और बार्बरिक को बताया कि किसी भी युद्ध की शुरुआत में युद्ध में शामिल होने वाले सबसे ताकतवर योद्धा को अपना सिर काटना पड़ता है, और इस युद्ध में सबसे ताकतवर योद्धा बार्बरिक है, इसीलिए उसे अपना सिर काटना होगा। बार्बरिक ने कृष्ण की बात मान ली, लेकिन उसने भी एक शर्त रखी कि वो महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता है। कृष्णा ने बार्बरिक की शर्त मान ली और उसके सर को एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया और उसके बिना शरीर के सिर को दिव्य दृष्टि भी दी, ताकि वो पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सके। जिस जगह पर श्री कृष्ण ने बार्बरिक का सर काटकर रखा था, आज वहां एक मंदिर मौजूद है जिसको लोग खाटू श्याम जी का मंदिर कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।